हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, जहां 9 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और वोटिंग से पहले कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग जारी है। बीजेपी के कद्दावर नेता शांता कुमार ने कांग्रेस की वीरभद्र सरकार पर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए। न्यूज नेशन से बातचीत में क्या कुछ कहा है शांता कुमार ने, आपको भी दिखाते हैं। देखिए, 10 साल की केंद्र की मनमोहन सरकार केवल भ्रष्टाचार के इशू पर गई थी। भ्रष्टाचार पूरे देश में चिंता का विषय बना है और लोगों की एक और बात समझ आ गई है जो पहले नहीं थी कि आज की गरीबी बेरोजगारी हमारी बदहाली का सबसे बड़ा कारण नेताओं का भ्रष्टाचार है, नेताओं ने देश को लूटा है। तो उसी आधार पर हिंदुस्तान में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, हम सत्ता में आए, पूरे के पूरे सत्ता में आए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। अब उसके बाद हिमाचल का चुनाव हो रहा है, तो हिमाचल के चुनाव में प्रदेश कांग्रेस का मुख्यमंत्री जमानत पर, तो ये इशू हमारे बनाने के बिना मन लोगों के मन मन में है। तो सबसे बड़ा इशू तो यह है कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए और हिमाचल की सरकार इस समय भ्रष्टाचार में लिप्त है, प्रशासन कोई नहीं, और उस भ्रष्टाचार के कारण अदालतों के चक्कर मुख्यमंत्री काट रहे हैं।